भिंड में महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में परीक्षाओं के दौरान जमकर नकल चल रही है। केंद्र अध्यक्ष और प्राइवेट संचालकों ने जमकर छात्र छात्राओं को नकल कराई। छात्र नोटबुक आगे रखकर जमकर नकल कर रहे और कोई भी उन्हें रोकने वाला मौजूद नहीं है। देखा जाए तो इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी से भी बातचीत की गई तो उन्होंने इसे गलत ही ठहराया है। स्कूल में ऐसा देखने को मिला है, एग्जाम के दौरान छात्र नकल में मशगूल रहे लेकिन कोई रोकने वाला वहां मौजूद नहीं था। भिंड के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अध्यापक सिर्फ तमाशा देखते रहे और बच्चे नकल में जुटे रहे। नकल की पोल खोलने वाली ये तस्वीरें काफी हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के द्वारा किस तरह नकल की जा रही है और इन्हें रोकने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। जब हमने इस बारे में सवाल भी किया तो यहाँ के स्कूल टीचर्स ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो प्रैक्टिकल में जमकर नकल की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आदित्य द्विवेदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूल में एग्जाम हो रहा है और बच्चे नकल कर रहे हैं, उन्हें रोकने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। जी नीतू जी, वहाँ जो सरकारी शिक्षक ड्यूटी दे रहे थे, केंद्र अध्यक्ष वहाँ भी मौजूद थे, उनके समक्ष प्रैक्टिकल जो कॉपियां हैं वो लिखी जा रही थी और जो उनकी कॉपी होती है जिसमें देख के प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिका में जो दर्ज की जाती है, प्रश्नों के उत्तर लिखाए जाते हैं, तो उसमें देखकर वो बिल्कुल, आपको वीडियो मैंने भेजा है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो देख के कॉपी में लिखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस संबंध में जब जिला शिक्षा अधिकारी महोदय बीएस अग्रवाल जी से बात की तो उन्होंने कहा कि आप वहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। और दूसरी ओर उन्होंने एक बात और कही है उसमें कि प्रैक्टिकल ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल लैब होनी चाहिए और उसमें छात्र छात्राओं द्वारा उसमें उनको प्रैक्टिकल कराना चाहिए, कौन सी चीज क्या है कैसे है बताना चाहिए। लेकिन वहाँ जो लैब थी ना उसमें भी ताले लगे हुए थे, लैब थी ही नहीं वहाँ। जी, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो फिर क्या पहले से सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे कि देख सके कि नकल हो रही है, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? वहाँ शासकीय शिक्षक जो ड्यूटी दे रहे थे वो भी मौजूदगी में नकल हो रही है वहाँ, जबकि जो प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं या प्राइवेट स्कूल यूँ कहें कि शिक्षक हैं, वो वहाँ खुद ही कॉपियों को जमा करा रहे थे। यहाँ के प्राइवेट स्कूल के संचालक वहाँ नहीं होना चाहिए प्राइवेट परीक्षा में, लेकिन वो भी वहाँ मौजूद थे। जी, देखा जाए तो आपने जैसा कहा कि स्कूल संचालक खुद मौके पर मौजूद थे और नकल करा रहे थे, क्या उनको पहले से ऐसा आदेश मिला था कि जो ऐसा करते हुए वो नजर आए? ये तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ही बता सकते हैं, क्योंकि अब उनसे मैंने कहा, उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझसे ये एक ही सवाल कहा और एक ही बात कही है कि आप वहीं रुकिए और मैं वहाँ अभी आता हूँ। लेकिन आधा घंटे तक मैं वहाँ रुका लेकिन वो नहीं पहुंचे वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आदित्य। तो आपको बता दें, भिंड में नकल जमकर कर रहे हैं ये बच्चे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। हालांकि देखा जाए तो टीचर मौजूद हैं और उन्हें रोकते हुए भी नजर नहीं आए हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले के बाद आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।